चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 7 बीघे खेत मेरा बिल्कुल कटा, मैं जमुना लेकर चली गई अंदर। रिश्तेदार की किराए बताओ, या मजदूरी करेंगे? किसान तो मर गए, किसान तो ठंडे हो गए। कहाँ थे खेत आपके, कहाँ बता रहे थे? ये रहे पानी चल रहा, हाँ वो जा लिया ऊपर। ये जो रेत सा हो रहा है, ये जो रेत सा हो रहा ना, इससे भी परे तक था ये पानी चल रहा है, बुरा भी ऊपर भी चला गया, भी पानी चल रहा है। क्या बोया था आपने? गन्ना था दोबारे का मुंडा, यानी पर का अब गिरता बस वो एक महीना सारा ही था, अब जाता ना 11वें महीने में पर्ची चल जा। एक वो है ना मेरा तो बॉन्ड है ना, चौसान है जजीद। बाढ़ की बहुत बड़ी स्थिति थी, कई खेत बहा के ले गए। आपके कितने की खेत गए उस पे? जी मेरे तो 2 खेत गए, यहाँ पे खेत तो परे गया, वो तो सहारनपुर जिले में था, और ये जो गया ये 7 बीघे खेत है मेरा। 7 बीघे खेत मेरा बिल्कुल कटा, मैं जमुना लेके चली गई अंदर और गन्ना भी लेके चली गई। कुल कितना नुकसान हो गया आपको? नुकसान तो कम से कम है बस 22-23 लाख का नुकसान है। देखियो है कटान, देख किस तरह जा रहा, यहाँ देख नीचे पर का देख। मतलब वहाँ लो 6 किले हैं जी, है इधर इधर वहाँ लो है खम्बे तक, हरिंगे ये बोरिंग तक है जहाँ पिड्डे खड़े हैं। ये 6 किले थे ये जो कि तू खत्म हो गए। ये नीरज के हैं भाई, नीरज के हमारा वो पड़ोसी है, हम इकट्ठा पानी चलाते हैं इनसे। 2 किले मारे थे, 2 किले ठक्के वाले थे, 4 किले मारे थे, 6 इसके थे। एक किसान को कैसी समस्या है? हाजी दिक्कत तो काफ़ी हो रही है, अपने खर्चे तो भी परेशान है आदमी, और मतलब कोई भी कहीं तक उधारा ले रखा था उसका भी नहीं दिया गया, तो क्या करेगा आदमी बताओ। तो आगे फिर इसके बोने के बारे में भी सोच रहे भाई, कुछ कहीं तक उधारा लाएंगे जी, कहीं बोएंगे इसने खेती ने। जीवन यापन हो पावे या नहीं, ये जैसे जैसे आप कह रहे उधार ला रहे, ऐसे ही जिंदगी चल रही? हाँ बस जी, वो तो काम तो करना ही पड़ेगा, मतलब और रिश्तेदार की किराए बताओ, या मजदूरी करेंगे? ये 3 गट्ठों का रास्ता, ये भी लोगों ने पहाड़ का खेत बना लिया, अब तंग हो गए। बस भाई खेत वाला कोई काम नहीं है, बच्चे मजदूर हैं, मजदूरी यहाँ कोई वो कोई ऐसा भी नहीं है, ये देहाती गांव है, यहाँ तो कोई फैक्ट्री भी नहीं है। अगर बच्चे सुबह ही जाके सांझ को अपने बच्चों में रह जा, 3-3 महीने 4-4 महीने बच्चे ईंक बांधने में हरियाणा में चले जा। ये सब ये पक्के के खेत थे, सब ऐसा था मेरा खेत तो सारा ऐसा, यार देखी सब बाढ़ में ही। सीमा पे पड़ा है खेत सेपत की और ममोर की सीमा है, मतलब इधर के आदमी बता में आए थे सेपत के, पटवारी ने लेकर आए थे, लीक लाख के ले गए या कुकर आई, बोले तो कोई पता नहीं मिला।
ना कोई किसी तो कोई मुआवजा दिया ना कोई मसला होया। अजी काशगार तो एक मतलब 24 घंटे लगा रहता है भाई, इसने थोड़ी खुशी वो हो जा भाई खेती बढ़िया होगी भाई अपना बच्चे सही वो काम कर रहे हैं। ये तो परेशान तो ही है जी काशगार है, कभी रात में कभी दिन में खड़ा रहता है बस। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति क्या है किसानों की अभी? अब तो बहुत स्थिति खत्म होगी, बस किसान तो मर गए, किसान तो ठंडे हो गए। तो अभी किसी को मुआवजा कुछ मिला अभी? किसी का कोई कुछ नहीं मिला।